व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको कुछ बेनिफिट्स के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ जो कि आपके सप्लीमेंट रिलेटेड हैं। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट्स आपका ये मोरिंगा के बारे में आपने सुना होगा और इसकी ड्रम स्टिक्स भी आपने गालिबन ज़रूर देखी होंगी। इस हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मोरिंगा के पत्ते होते हैं उनको हमने जो है उसको ड्राई करने के बाद इसको हमने इसको क्रश कर लिया, उसको ग्राइंडर के अंदर इसको हमने पीस लिया और पीसने के बाद ये हमने इसको इस फॉर्म के अंदर जो है इसको छान लिया छन्नी के साथ। ये जो छन्नी है इसमें इस तरह ये जमा हो जाएंगी और इसको हमने अलग कर लिया है और इसको जो पाउडर फॉर्म में इस तरह फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, अभी मैं आपको शॉर्ट क्लिप दे रहा हूँ, इस वजह से इसके बारे में मैं आपको फिर तफसीली वीडियो बना के बताऊँगा कि किस तरीके से इस पाउडर को बनाया जाता है और किस तरह इसको ड्राई किया जाता है और इसके बेनिफिट्स के बारे में मैं आप बाखूबी वाकिफ़ होंगे कि मोरिंगा जिसे सोजना भी कहते हैं, मोरिंगा बेसिकली जो है फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके अंदर कैल्शियम की मकदार इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप अपने बच्चों को डेली बेस के ऊपर ये मोरिंगा इसको खिलाएं और पानी के साथ खिलाएं या कैप्सूल की शक्ल में आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके बच्चों के अंदर कैल्शियम की मकदार को ज़्यादा कर लेता है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसके अलावा जो है आपकी हेल्थ बहुत इससे अच्छी बेहतर महसूस करते हैं और भी बहुत सारे इसके जो हैं बेनिफिट्स हैं जो आपको फर्दर में वीडियोस में आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मैंने ये तैयार किया था इसी वजह से मैं आपसे ये वीडियो शेयर करना चाह रहा था कि आपके नॉलेज में लेके आऊं और इसको हम जो है कंटेनर्स के अंदर इसको डाल देंगे, उसके साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो बैग होता है जिसे सिलिका जेल भी कहते हैं वो इसके साथ ज़रूर रख दीजिएगा क्योंकि ये जो है इसमें फंगस किसी किस्म का फंगस ना लगे, किसी किस्म के कोई कीड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें ना लगें, तो सिलिकॉन बैग इसके अंदर रख दीजिएगा और उसको डेली बेस पे आप इस्तेमाल करें। 10 से 11 बजे तक की जो धूप होती है, जब आपका सूरज निकलना शुरू होता है उस टाइम की धूप आप ज़रूर लें, अपनी जो है एड़ियों को खुला रखें धूप के अंदर और इसके इस्तेमाल के बाद आप देखिएगा जिनको जोड़ों की तकलीफ़ है, कमर की तकलीफ़ है, गर्दन से लेके नीचे तक के मोड़ों की तकलीफ़ है और दूसरी जो हड्डियों की तकलीफ़ात हैं, बीमारियां हैं, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से वो दूर हो जाएंगी। आप इसको इस्तेमाल करें और इसके हवाले से तो बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं लेकिन आज मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट वीडियो इस वजह से पेश कर रहा था क्योंकि मैंने ख़ुद तैयार किया है तो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ अगर लाइक आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस ऐसी लेके आने वाला हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी और इससे पहले आपने वो इस तरह की वीडियोस देखी नहीं होंगी। ठीक है, आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी व्यूअर्स, ये देख लेंगे इस तरह का आपको कंटेनर लेना है, ठीक है, और इसके अंदर इसको आप इसको जो है फिल करके इसको रख दें और इससे ये होगा कि आपका एक तो ये प्रिजर्व हो जाएगा, इसके साथ सिलिकॉन जेल ज़रूर डालिएगा क्योंकि सिलिकॉन जेल से नमी नहीं पैदा होगी। सेकंडली ये कि आप इसको इस्तेमाल करें डेली बेस के ऊपर, सुबह निहार मुँह रोटी में मिला के जिस तरह आपको पसंद हो उस तरह इसको इस्तेमाल करें, रोटी के साथ बच्चों को दें मिक्स करके और इंशाल्लाह आप देखिएगा आपके बच्चों के अंदर जो भी कमी बेशी है किसी भी हवाले से, विटामिन के हवाले से, कैल्शियम के हवाले से, इंशाल्लाह इसके खाने से वो ज़रूर दूर होगी और आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने जार ले लिया और इसको मैं इसके अंदर फिल कर रहा हूँ और आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं आपको इससे ज़्यादा अच्छी वीडियोस दिखाऊंगा और आपको इंशाल्लाह इस बारे में और भी मालूमात दूंगा कि किस तरह इसको ड्राई किया जाता है और किस तरह इसको बनाया जाता है और इसको कैप्सूल की सूरत में अभी आप ले सकते हैं और इसको डेली बेस पर आप इस्तेमाल करें, ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करें। ये इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, अगर आप इसको ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लेते हैं कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है बल्कि बेनिफिट्स हैं क्योंकि कुदरत की बनाई हुई चीज़ है। कुदरत की बनाई हुई कोई भी चीज़ होती है वो नुकसान नहीं देती, जो इंसान की बनाई हुई चीज़ें वो ज़रूर नुकसान देती हैं, ये कुदरत की बनाई हुई चीज़ है और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और ये एशियन कंट्रीज़ के अंदर ये पौधा उगता है मोरिंगा, इसके अलावा और कहीं नहीं होता है, ये इंडिया और पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है मोरिंगा और बेसिकली तो ये इंडिया के बॉर्डर से ही शुरू हुआ था और ये पूरी दुनिया में इसके बेनिफिट्स देखे गए और उसको इस्तेमाल किया गया मुख्तलिफ सूरतों में, लेकिन आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिए
और इसको इग्नोर मत कीजिए। हमारे जगह जगह ये पौधे लगे हुए हैं, मैंने देखा है लोगों को इसकी कदर नहीं है। आप खुदा के वास्ते, ये बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है। इसके जो फलियाँ होती हैं, ये जो ड्रम स्टिक्स होती हैं, ये सूख जाती हैं, इसके अंदर से बीज निकलते हैं। उनको आप जगह जगह इसको ग्रोथ करें और इसको लगाएं। ये एक सदका जारिया भी है, आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके लिए जो है, आपके आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगी। जब आप लोग सही होंगे तो आपकी जनरेशन सही होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी आने वाली नस्ल अच्छी होगी। तो आप इसको इस्तेमाल करें और इसके बेनिफिट से, कुदरत की जो बेनिफिट्स हैं उनसे फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया। आप इसको मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर आपको इससे अच्छी वीडियोस बना के ज़रूर सेंड करूँगा। ठीक है, आप देखते रहें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इससे बेहतर मैं वीडियोस आपके लिए बना के दे सकूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। अपना ख्याल रखिएगा, बेहद ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।